सुबह जो है वो हमारी हो गई है। ए मॉर्निंग का टाइम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह के 7:30 बजे तो अभी रेडी हो गए। इसका हमारा राइट प्लान है जम्मू टू चंडीगढ़। निकलते हैं यहाँ से, अभी ब्रेकफास्ट रास्ते में करते हैं। अभी ब्रेकफास्ट में किए नहीं, रास्ते में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं वहीं से। सामान वगैरह हमारा पैक ही था, बस फ्रेश हो गए, अभी निकलते हैं यहाँ से नीचे, बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। हरीश जो है वो पहले ही नीचे उतर गया था, उसने बाइक स्टार्ट कर ली होगी। हमारी बाइक वहाँ पे कोल्ड स्टार्ट हो रही है। निकलते यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का सफ़र है 343 किलोमीटर्स है। अभी हम सिटी में ही है, तो अभी यहाँ से बाहर निकलते सिटी से। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, देखते रास्ते में कहीं जगह रुक जाएंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते आराम से। अभी यहाँ से पहले हमें हाईवे पकड़ना है, तो उसके बाद डायरेक्ट हम वहाँ से चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। मौसम अभी अच्छा ही है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, ठीक ठाक मौसम है। क्यों, कश्मीर में 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो उसका असर यहाँ पर भी जम्मू में भी होता है, तो अभी थोड़ा सा डाउन ही है। फ्यूल हमारा हाफ टैंक ही है अभी। अभी देखते हैं कहाँ पे हम फ्यूल अप करवाएंगे इसका। कल हमने सिर्फ इसका हाफ टैंक ही था, तो कल हमने सिर्फ 920 में इसका पेट्रोल आया था, जो हमने इस्लामाबाद में डलवाया था। ठीक चुका हाँ, ये रहा तवी ब्रिज। हम हाईवे पे आ गए, ये रहा आपका वेव मॉल। राइट साइड से आप देख रहे होंगे मस्जिद शरीफ है यहाँ की। बहुत अच्छा टेम्परेचर है इस वक्त। आगे से हमें लेफ्ट लेना है चंडीगढ़ के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर लिखा है 331 किलोमीटर चंडीगढ़ दिल्ली, 582 सांबा और कठुआ, तो और लेफ्ट साइड राइट साइड से हमें लेफ्ट जाना है। ये हम जम्मू से बाहर निकलते हुए एक कालूचक चेक पोस्ट यहाँ पे। जम्मू से निकलने के बाद मेन जम्मू से हमारा रास्ता सीधे और सीधे ही है, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है हमारा। बाइक को जो हमें अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी हीट अप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अभी राइज होने वाला है। ये रहा यहाँ पे पहला टोल प्लाजा, हमारे लिए तो नहीं है लेकिन हाँ
बड़ी गाड़ी के लिए फोर व्हीलर्स के लिए है। टू व्हीलर का तो यही अच्छा है कि उनका कोई टोल वोल नहीं कटता है, फिलहाल नहीं कटता है टोल, आगे का पता नहीं, क्या पता आगे कटने लगे टोल बाइक का भी। जिस चीज़ की हम कर रहे थे ख्वाहिश वो रही ये हमारे सामने। जूस पी लेते हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए। जूस दो ग्लास बनाना। हाँ हमने सुबह से ऑलमोस्ट कवर, मैंने 115 मैंने कवर किया ऑलमोस्ट सुबह से, 115 किलोमीटर सुबह से ऑलमोस्ट कवर किया। हमारा जूस रेडी हो गया, पहले जूस पीते। हारिस हारिस जूस पीते और निकलते हैं यहाँ से। जूस हमने पी लिया। जूस पी के इंसान फ्रेश हो जाता है। देखते हैं आगे कहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। ये आपका जलंधर का हाईवे यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में एक ढाबा है, यहाँ पे चाय पी लेते हैं। ब्रेक रे रुके, सुबह से कुछ नहीं खाया है, चाय पीते यहाँ पे, वो थक गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बक्सा चाय हमने पी ली, 10 मिनट तक आराम भी कर लिया वहाँ पे चारपाई पे। वहाँ पे चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई थी, पराठे भी अच्छे थे, नींद भी खुल गई। अभी हमें करने हैं ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर कवर, यहाँ से 230 किलोमीटर है अभी। और इसने बोला बाइक मैं चलाऊँगा, इसने सिर्फ 30 किलोमीटर अभी तक चलाई है बाइक टोटल। मेरे को नींद आ रही थी तो इसके कारण चाय पीनी पड़ी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते। आगे 1 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा है। मेरा टोल प्लाजा यहाँ का, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और धूप भी बहुत तेज़ है। अभी हम हाईवे पे हैं, अभी 90 किलोमीटर्स रह गए कवर करने को, तो अभी नींद चढ़ रही थी आगे, तो यहाँ आके रुक गए, थोड़ा मुँह धो लिया यहाँ पे, फ्रेश हो गए, थोड़ा चलते फिर से आगे। आई एम आगे इस टाइम 12:50, धूप बहुत ही ज़्यादा है। इस टाइम तो धूप अपने पीक पे होती है बराबर, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप है। यहाँ 2 मिनट के लिए रुके थे, मुँह धोया, फ्रेश हो गए, अभी आगे चलते। अभी हमारे पास पेंडिंग 85 किलोमीटर है हमारे डेस्टिनेशन चंडीगढ़ तक, चलते आगे। यहाँ की जो सड़क है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 4x4 लेन है। और इस टाइम
नींद चढ़ती है क्योंकि रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, लेन है सामने, तो नींद आ जाती है। रूपनगर टोल प्लाजा में यहाँ पे टोल सारे औरतें काटते हैं। इतने सारे टोल हैं, अगर हम निकले होते उस टाइम तो हमें कितने ज़्यादा टोल काटने पड़ते गाड़ी में। सही, तो यहाँ से जाकर ही पहले अपना काम फिनिश करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, ऑफिस का काम, और उसके बाद हम सो जाते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। हम हाईवे से अंदर आ गए, चंडीगढ़ सिटी की तरफ जा रहे हैं। 9-10 किलोमीटर है अब यहाँ से चंडीगढ़ में सिटी। अभी अंदर आ गए, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है अंदर। टैनिंग रोड की बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी धूप से, यहाँ धूप से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है हाथों को। जल्दी चलो यार, धूप बहुत ज़्यादा है। एक जगह बाइक पे यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और ये हेलमेट के जो फोम होते हैं साइड साइड से वो पसीना आ जाता है उनमें बिल्कुल। पुलिस वाले भाई सब लेफ्ट चले गए, अब सीधे जाना है। यहाँ स्कूल की बस हमारे सामने, 12 विंग एयरफोर्स स्कूल बस है। हमारी बाइक का इस टाइम जो एग्जॉस्ट गर्म है ना, वो हम बता नहीं सकते, बिल्कुल लाउड हो गया इसका एग्जॉस्ट अभी। चाचा मैं क्या गवर्नर हूँ, ऐसे निकलते क्या? मैं जाना है यहाँ अंदर हमारी डेस्टिनेशन। या आई नो दैट, हमारा डेस्टिनेशन यही है, वही ढूंढ रहा हूँ किधर जाने का मेरे को, किधर जाने का मेरे को, किधर जाने का मेरे को। करते हैं फिनिश, फाइनली हम पहुँच गए चंडीगढ़। एक्चुअली हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारा ऑफिस वर्क का कुछ काम है, वो हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं, हमें वो जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे आए थे 2:45 और इस टाइम 4 बज रहे हैं। बेचारा बाहर वेट करते करते थक गया। हमारी जो मीटिंग है वो ख़त्म हो गई है। हॉस्पिटैलिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि इनको पता नहीं था कि मेरे साथ और एक बंदा है, हारिस मेरे साथ है, मैं अकेला आया था। और ये भी नहीं इनको पता कि मैं बाइक पे यहाँ आया हूँ। उनके लिए मैं आया था, वो अल्लाह के खैर से वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी चलते हैं यहाँ से। और इन भाई ने मेरे को एक एड्रेस बताया यहाँ के लिए, जो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं, और मस्जिद वगैरह भी वहाँ पास में है। वहाँ चलते हैं और देखते हैं रूम वगैरह अपना।
और अपना ऑफिस का काम भी कंप्लीट कर रहे हैं। हार इज द ग्रेट सक्सेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग एक्चुअली रेंट का काम भी करते हैं, ये लोग रेंट पे वगैरह देते हैं बाइक वाइक यहाँ पे, और गाड़ियाँ वगैरह रेंट पे सारे देते हैं। ज़्यादा लग गई थी, हमने आधा खाना फिनिश कर दिया। खाना खाते ही रूम में आ गए थे, नींद पड़ गई थी, सो गए थे। 7:30 बजे।